आधुनिकता के इस युग च ना तो गांधी के विचार बदले और ना ही गांधी का चरखा बदले ने तो सिर्फ विकास के माप। देश च कई अजिहे विकास थम ने जो ब्रिटिश सरकार ने किए सन जो अजे भी अतीत की कहानी बयान कर रहे हैं। ब्रिटिश शासन में जो बहुत सारे महानगर बिजली प्रणाली वालों अछूत सन, देहरादून और पहाड़ों की राणी मसूरी नूं प्रकाशन करने लई ग्लोगी प्रोजेक्ट शुरू किया गया सी। क्या आप जानते हैं कि पहली बार उत्तर भारत में बिजली बनाने का काम कहां पर हुआ था? आज हम आपको ऐसे ही पावर प्रोजेक्ट की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी बिजली से पहली बार उत्तर भारत रोशन हुआ था। यह देश का सब तो पुराना बिजली प्रोजेक्ट है जिसकी रोशनी अजे भी देहरादून और मसूरी नूं प्रकाशन कर रही है। प्रोजेक्ट का काम मसूरी विच 1890 दे दहाके च शुरू होया सी। अंग्रेजा ने सब तो पहला बिजली उत्पादन लई भारत विच मसूरी दी चोण कीती अते जिसका इतिहास अजे भी ग्लोगी पावर हाउस द्वारा जाणिया जांदा है। 18वीं शताब्दी के आखिरी में ग्लोगी पावर पॉइंट की स्थापना की गई जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हम देख सकते हैं कि यहां पे तमाम जो अंग्रेजों के जमाने के जो टर्बाइने हैं वो आज भी लगी हुई हैं और 1906-07 में यहां पर बिजली बनना शुरू हुआ था और तब तक भारत देश में सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में बिजली हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद 1906 में मसूरी में इस ग्लोगी पावर पॉइंट में ये इस पावर हाउस की स्थापना की गई और इसके बाद यहाँ पे बिजली बनाने का काम शुरू किया गया। देश नूं आजादी मिले 72 साल हो गए ने, पर आधुनिक भारत विच बहुत सारे खेतर अजिहे ने जिथे अज भी घरां च बिजली नहीं है। उस समय मसूरी विच ग्लोगी पावर हाउस ने इस खेतर दे विकास नूं हलारा दिता जदों देश गुलाम सी। सब तो पहला वड्डे जनरेटरां ते बाकी उपकरणां नूं दून वैली दे गर्दीकारा खेतर तो एक कच्ची सड़क बना के ग्लोगी तक पहुंचाउण दा फैसला कीता गया। 1900 विच पहली वार देहरादून पहुंची रेल ने इस प्रोजेक्ट नूं तेज करन विच सब तो वड्डी भूमिका निभाई, जिस मगरों इंग्लैंड तो पानी वाले जहाजां राहीं मुंबई पहुंचियां भारी मशीनां ते टरबाइनस नूं देहरादून लिजाया गया। फिर बैलगड्डियां अते मजदूरां दे मोढ़ियां ते इन्हां मशीनां नूं ग्लोगी हाइड्रो इलैक्ट्रॉनिक पावर हाउस विच पहाड़ी तो सैकड़े फुट हेठां योजनाबंदी वाली जगह च लिजाया गया। अखीर 1907 विच क्यारकुली अते भट्टा विच छोटे तलाबां तो 16 इंच दीआं पाइपलाइनां नाल पहुंचियां जल धाराएं ने इंग्लैंड तो बनियां विशाल टरबाइन मशीनां चलाउणियां शुरू कीतियां अते मसूरी देहरादून दे लोकां दे घरां च पहली वार बिजली दे बल्ब जगे। 9 नवंबर 1912 नूं ग्लोगी पावर हाउस ने देश दा दूजा पावर हाउस होण दा दर्जा प्राप्त कीता। साल 1920 तक मसूरी दे बहुत सारे बंगले, होटल अते स्कूल तों दीवियां नूं हटा दिता गया अते उन्हां दी जगह चमकदार बिजली दे बल्बां ने लै लई। हौली हौली मसूरी अते फिर देहरादून दे लंडौर दा बिजलीकरण होया। मसूरी म्यूनसिपैलिटी 70 सालां तों ग्लोगी पावर प्लांट दा मालक सी। पहला म्यूनिसपैलिटी थी इंडिया में जिसने अपना पावर हाउस बनाया, अपनी पानी बन बिजली योजना बनाई और उससे बिजली प्रोड्यूस करके उसको कस्टमर्स को सेल किया। मसूरी देहरादून शहरां दी बिजली समय समय ते आमदनी कारण मसूरी म्यूनिसपैलिटी एक समय उत्तर प्रदेश दी सब तो अमीर नगर पालिका मनी जाती सी। साल 1976 च उत्तर प्रदेश बिजली परिषद ने पावर हाउस समेत नगर पालिका दे सारे बिजली उद्यमां नूं हासिल कर लिया। हालांकि पण बिजली पिछले 35 सालां तों बहुत सारे उतार चढ़ाव वेख रही है। पिछले दहाकियां च पुराने टैक्नीशियन कर्मचारी वारी वारी रिटायर हो गए, जिहड़े एक सदी पुराने ग्लोगी पावर हाउस नूं इंग्लैंड च बणियां टरबाइनां अते मशीनां चलाउण बारे जानकारी रखदे सी, खराब होण दी सूरत विच उन्हां दी मुरम्मत करदे सी। दरअसल पावर हाउस च स्थापित असल विदेशी मशीनां पुरानी टेक्नोलॉजी दियां ने अते हुण उन्हां दा बनना बंद हो गया। सूबे दे गठन तो बाद इसका कंट्रोल उत्तराखंड जल विद्या निगम नूं दे दिता गया। उत्थे ही इस इतिहासिक विरासत नूं कायम रखण अते नवीं पीढ़ी नूं दसण दी सानूं लोड़ है। ग्लोगी पावर हाउस नूं तकनीकी इतिहास दी एक शानदार विरासत वजों नाम दिंदे होए अते इस दी महत्ता नूं कायम रखदे होए इस समय इस दा नवीनीकरण, आधुनिकरण अते अपग्रेडिंग दा काम जारी है। ए राज दी एक शानदार विरासत है। ईटीवी भारत दी रिपोर्ट।